कौन कहता है कि पाकिस्तान के लोअर मिडल ऑर्डर में वो ताकतवर बल्लेबाज नहीं है, वहां फायर पावर नहीं है। आसिफ इज अ रियल डील। दो मुकाबलों में लगातार अंत में आके गेम चेंजिंग काम किया है, टीम को मुकाबला जिता दिया है और ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम इज द टीम टू बीट इन दिस T20 वर्ल्ड कप और देर ऑल बट थ्रू, मतलब तीन में से तीन मुकाबले जीत चुके हैं। रोज एक नया हीरो इनको मिल जाता है। इस बार बाबर ने भी रन बनाए हैं, नहीं बनाए रन हफीज ने, पर आपको मिस नहीं किया उन्होंने क्योंकि बल्लेबाजी से आ गए थे अंत में आसिफ। गेंदबाजी में यू गॉट इमाद वसीम एज ए न्यू हीरो, मतलब सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गए हैं क्योंकि अब जो दो मुकाबले बचे हैं वह स्कॉटलैंड और नामीबिया के सामने, बड़ी आसानी से जीतेगा पाकिस्तान। एंड यस, वन मोर टाइम यू हैव टू रिइटरेट, दिस इज द टीम टू बीट। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुकाबले से करते हैं बात क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मुकाबले खेले नहीं है, आखिरी T20 आए, मतलब लंबा अरसा हो जाता है इनको खेले हुए आपस में। है पड़ोसी पर मतलब खेलते नहीं है, आपस में खेल लेना चाहिए पर नहीं खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है। और इस मुकाबले में अगर बात करें, अफगानिस्तान टॉस जीत के गेंदबाजी का नहीं बल्लेबाजी का फैसला करता है, इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग। एक अच्छी बात यह थी कि दुबई के मैदान पे चल रही थी हवा और इस वजह से बाद में ओस नहीं आई और इस बात का अफसोस नहीं हुआ, पर अफगानिस्तान ने सोचा कि यार हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, हम बाद में कर लेते हैं। पर बॉलिंग स्ट्रेंथ होने के बावजूद ये भी तो सच है ना कि आपके पास तीन कमाल के बॉलर हैं पर बाकी जो दो फास्ट बॉलर हैं दे आर द वीक लिंक्स, और वो इवेंचुअली पता भी चला। स्पिनर्स ने अच्छा किया पर फास्ट बॉलर्स अंत में वहां खड़े नहीं उतर पाए। पहले जब बैटिंग करने आप आते हैं तो फिर दिस बैप्टिज्म विद फायर, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स आते हैं शाहीन आफरीदी फर्स्ट ओवर में और बिल्कुल ओवर स्पीडिंग का चलान काटो इनका यार, इतनी तेज कौन डालता है बॉल, एक तो ऊपर डालने में घबराता नहीं है बॉलर, और 148 क्लिक्स उसके बाद हारिस रॉफ 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, खर क्या रहे हो शुरुआत में। और अफगानिस्तान भी चल रहा था, कह रहा है ठीक है या तो इधर या इस पार या उस पार, मतलब चौके छक्के आउट कर क्या रहे हो भैया, 20 ओवर का मैच है, थोड़ा ठंड रखो। ठंड बिल्कुल नहीं थी अगर अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से देखें, सो देवर गोइंग फॉर लाइक ऑल और नथिंग, लेकिन जब नथिंग होता है ना तो एक विकेट गिर जाती है, जब विकेट गिर जाती है तो प्रेशर आ जाता है। इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, शाहीन आफरीदी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, शदाब खान ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, आपके पांच में से अगर तीन गेंदबाज वो 6 रन प्रति ओवर से कम देकर जाते हैं तो इसका मतलब यह 30 से कम रन देते हैं, आई मीन दैट्स इनक्रेडिबल बोलिंग। हसन अली थोड़ा सा फॉर्म डगमगा रहा है, मतलब वो एक सवालिया निशान है, जैसे बैटिंग के अंदर प्रोफेसर हफीज है पर अदर्स आर डूइंग सो वेल कि वो छुप जा रही है, अगर वो थोड़ी सी कहीं गलती भी हो रही है तो वो गलती जो है वो छुप जा रही है। नाइब और नाबी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, इनफैक्ट टीम को एक कंपेटिटिव फाइटिंग टोटल तक जरूर लेकर गए और मतलब था कि भाई अब यहां से लड़ाई हो सकती है, क्योंकि अगर ओस नहीं आती है तो अफसोस नहीं होगा, स्पिनर्स का जो है जलवा जरूर चलेगा और चला, लेट्स बी फेयर, इट वाज एक्चुअली गुड। शुरू में मुजीब जो है वो रिजवान को आउट कर देते हैं, उनको आगे डालना बहुत जरूरी है, तीन स्टंप्स के बीच में आगे पीछे फील्डर, बड़ा अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने और इनफैक्ट ही वॉज दी मोस्ट इकोनॉमिकल बोलर, इंजर्ड हो गए बाहर जाना पड़ा लगातार 4 ओवर्स डालकर। दूसरी तरफ से बाबर जो है वो टिके हुए हैं, बाबर इज एक्चुअली नाउ स्कोर रिकॉर्ड, ही गॉट अ रिकॉर्ड द फास्टेस्ट 2000 रन एज ए T20 आई कैप्टन, सबसे कम पारियों में ये पहुंच गए हैं, इनसे पहले जो पहुंचे थे वो थे विराट कोहली और बाबर की ये जो पारी है अंत तक नाबाद रहना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, पर जितने जो अर्धशतक बनाया जाए हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान टोल्ड अस वन थिंग, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या क्रिकेट की पिच हो, लंबे समय तक टिके रहना ही सही है। तो बाबर ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई पर मैच में ट्विस्ट जरूर आया क्योंकि फखर जमान शुरू में अच्छा बैटिंग कर रहे थे, फिर थोड़ा स्ट्राइक से दूर रहे और फिर नबी के गेंद पर आउट हुए, आई थिंक राशिद का थोड़ा सा उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। हफीज बैड शॉट मैन, वेरी बैड शॉट द प्रोफेसर, यू डोंट टेक ऑन राशिद खान, यू प्ले हिम नाइसली। और शोएब अच्छा खेल रहे थे, वो एक छक्का उन्होंने लगा भी दिया था पर बाबर आउट हो गए, बैड शॉट बाबर यार, अब ये भी कह सकते हो आप क्योंकि राशिद का आखिरी ओवर है, आखिरी बॉल थी ऑलमोस्ट ना शायद, उसमें ऑलरेडी एक आपको जीवन दान मिल चुका है, माय अटेम्प्ट फेट, एक बार फंस गया था मैच, अंत में लगा कि शायद थोड़ा मैच फंसेगा पर बोलिंग नहीं थी, फास्ट बोलिंग नहीं अफगानिस्तान के पास और उसके चलते आसिफ अली की जो बैटिंग थी वो तो खैर कमाल, छक्के तो मारता है, हिटिंग करता है यार प्रॉपर, ही इज द रियल डील। ऑफकोर्स PSL काफी खेलते हैं तो वहां से आदत पड़ जाती है एक प्रेशर सिचुएशन में खेलने की, और एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं देखता हूँ नजरें घुमा के, अगर तीन मैच खेले और आप दो बार ही काम कर पाए हो अलग अलग बोलिंग अटैक्स के सामने जिनमें से एक न्यूजीलैंड का है, आसिफ अली स्ट्राइकिंग रियली वेल, और अब पाकिस्तान टीम में सिर्फ दो समस्याएं हैं, बाकी अब 9 खिलाड़ी अच्छा